after this beautiful view of Panchtara, and it's time to say goodbye to this place. I'm going Manali. So यहाँ से मनाली 1.5-2 घंटे का रास्ता है एंड मैं सी कितनी देर में पहुँचे, बट पहले मैं मणिकरण जाऊँगी क्योंकि इस बार मैंने दर्शन ही नहीं करे 7 दिन में, क्योंकि इतना बड़ा त्यौहार भी था. सो दिस लेट्स गेट रेडी फॉर आवर न्यू एडवेंचर. सो गाइस, मतलब कैसा रहता है यहाँ पे एक्सपीरियंस पंचतारा के साथ? पहले मैं बता देती हूँ, ये शिव हैं और ये आर डी. अच्छा, आपको मैंने कम देखा, इनको देखा मैंने ज़्यादा. इनको मैं 1 साल से बहुत बार देख चुकी हूँ, बल्कि 1.5 साल, 1 साल 2 महीने से. सो कैसा रहता है एक्सपीरियंस आपका प्ले करने का यहाँ पे यार? थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास अभी माइक लगाने पड़ेंगे, नहीं तो साउंड सिस्टम इज रियली गुड, द एंबियंस इज रियली गुड, एंड मतलब क्राउड आता है अच्छा, बहुत यूथ आता है मोस्टली, तो मतलब इट्स रियली गुड. एंजॉय करता है क्राउड आपके साथ? अरे बहुत सही. नहीं, मैंने मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एंजॉय करता है. बट हाउ इज द प्लेस वैसे, मतलब ऐसा अगर आप मतलब कस्टमर आते हो, क्लाइंट आते हो, लाइक हाउ इज द प्लेस? ऐसा टूरिस्ट आते हो तो हाउ इज द प्लेस, आप बैठोगे? समटाइम्स आई कम हियर विद माय फैमिली एंड वी लाइक यू सिट हियर. अच्छा, so how मतलब you like a place like a मतलब you recommend this place like a tourist to like people like obviously. Finally गुरुद्वारा मणिकरण साहिब, मतलब ऊपर खड़े होने की फील ही अलग है यहाँ पे. नीचे पार्वती वैली और वहाँ से गर्म पानी, you know the story of गर्म पानी. If you don't know, check my last vlog of मणिकरण, you will get the story. कितना प्यारा नज़ारा है ना नीचे. सो फाइनली आप लोगों को इसकी स्टोरी पता, अगर नहीं पता तो मेरे पुराने उसमें होगी तो मैं शेयर कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक, सो यू कैन रीच इजीली वहाँ पे. पता है आज तो बहुत गर्मी है, पूछो मत. आई नो आज गर्मी है, यू नो, क्योंकि हम गर्म थोड़ा वैसे टाइम पर आए हैं. इस पर चलो, एंड अगर आपको स्टोरी नहीं पता, आई विल शेयर द स्टोरी. ऑब्वियसली दिस, यू नो दिस, यहाँ पे लंगर सारा यहीं बनता है, यहाँ का जो गुरुद्वारे में होता है. तो वैसे रास्ता जो बचा है ना, मतलब आई मीन स्टार्ट हुआ है हमारा कसोल से, वो 2 घंटा के आसपास का है. और मैं जा रही हूँ अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर जो कि 73 किलोमीटर के अराउंड है. और आपको मैं बताना भूल गई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब आप यहाँ एंटर करते हो ना कसोल में, ये मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं करा, अब आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे अगर आप अपने सेल्फ व्हीकल से एंटर कर रहे हो. बट हाँ, अगर आप गवर्नमेंट मतलब बाइक बस वगैरह में आ रहे हो तो आप लोगों को कुछ पे नहीं करना. बाय गॉड अंकल, क्या चला रहे हो आप, क्या हो गया इसको एकदम से? और इवन दो अगर आप बाइक वगैरह पे आ रहे हो तभी 50 रुपीज़ चार्जेस हैं. सो ये चीज़ याद रखना, यहाँ के मेंटेनेंस के लिए चार्जेस स्टार्ट किए गए हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि पार्वती वैली में बहुत लोग कूड़ा फेंक देते हैं, जैसे कि आपने मेरी मलाना की वीडियो चेक करी होगी तो उसमें देखा होगा. सो लेट्स गो एंड लेट्स जस्ट चेक आउट न्यू प्रॉपर्टी दैट इज एलिमेंट. मनाली वालों ने हाईवे बहुत सही बनाया हुआ, बट टोल स्टार्ट हो गया ना, इसमें पैसे हैं, बट अगला टोल 100 रुपीज़ का कैश देना, इसके बाद एक टोल और आएगा जब लोकल लोग खड़े होते हैं टोल लेने के लिए. यार मुझे यही नहीं लग रहा मैं मनाली हूँ, दुनिया ही अलग है गाइस. यार यहाँ पे पार्किंग है, मनाली कहीं नीचे है, एंड ये मेरा स्टे है यार. मतलब मज़ा आ गया, मतलब मैं आधा घंटा ऊपर आई हूँ मगर ये वर्थ है यार. मैं सोच रही थी पहले मैं कितना ऊपर जा रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता, बट ये रास्ता वर्थ करता है. दिस इज़ अ ब्यूटीफुल, लाइक यू नो, मतलब मज़ा आ गया यार यहाँ के. मतलब मनाली इतना खूबसूरत भी है, मुझे कोई आइडिया नहीं था. मतलब दिस इज़ लाइक, मैं कसोल से आई हूँ तो कसोल से मुझे आने में 2 घंटा लगा, एंड की जगह ही लाइक यू मस्ट ट्राई गाइस, ये जगह ही खूबसूरत है. स्प्रिंग वैसे सीजन आ गया और इसकी वाइब्स देखो इस जगह की, प्यारी है ये जगह यार. So this is the entry of the place. Obviously, I'm gonna share the price rate. आप सबसे important तो वही चीज़ होती है जो मुझे लगता है मैं कभी कभी भूल जाती हूँ. So, हाय राम, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर, स्नोफॉल भी कितनी प्यारी हुई होगी, I'm pretty sure about it.
सो मनाली तो बहुत लोग आ चुके हैं, लाइक आते रहते हैं, बट यू नो शहर से हट के जो पीसफुल वाइब्स वाली जगह है ना, आई थिंक सो वर्ल्ड कमिंग हियर। ओके दिस इज अ कॉमन रूम एंड हियर आर द बुक्स। हाँ, वन इंडियन गर्ल ऑलरेडी रेड रेड क्या पढ़ रही थी। ये दोनों सीधा यहाँ पर, अच्छा इन दोनों में से देख ले, कर ले चूज़ा, कोई भी चलेगा। वैसे रूम बहुत प्यारा है यार आपका, लाइट्स चला लो एक मिनट रिकॉर्ड। दिस इज द रूम, ये एंड ये वाला रूम भी बहुत है। ये नाको है, ये चाबू है, ये चाबू है, वो नाको है। बालकनी व्यू, मैं देख कवर, दैट्स दी बालकनी व्यू। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ से भी सेम है। एंड भैया कह रहे हैं इन दोनों में से आप कोई भी रूम देख लो एक, सो अभी हम देख लेते हैं। बहुत रूम्स आर ब्यूटीफुल। तो ऊपर एक्सरसाइज एरिया है एंड हम गंदी चीज़ें नहीं देखते, कपड़े सुखाने की जगह। I'm just kidding. So if you want to take fresh air, then this is the place. तो ये जगह कन्याल कहलाती है एंड मैं पता है कुछ नीचे से आई हूँ, नीचे कहीं रोड थी बट दिख नहीं रही। वो रही मेन रोड, एग्जैक्टली वहाँ उस जगह पर मेन रोड है यार। सच में पुराना बहुत वर्क करता है। सो मेरे को यहाँ पर कन्याल विलेज है जो मैं कवर करूँगी एंड होपफुली यू लाइक द प्रॉपर्टी। एंड अभी प्रॉपर्टी के बारे में बहुत कुछ शेयर करूँगी एंड द वाइब्स ऑफ दिस प्लेस आर मार्वेलस। मैं सोच रही हूँ कि यार मैं उस टाइम पे क्यों नहीं स्टे किया जब मैं पहले मनाली आई थी, यहाँ ऊपर आके मैं बर्फ भी अच्छे से इंजॉय करती। सो एग्जैक्टली ये वाले पक्षी घर के पास भी देखने को मिलते हैं। आईफोन की क्वालिटी इतनी भी अच्छी नहीं है। स्प्रिंग सीजन आ चुका है पता है, मतलब इट्स लाइक कि पाइन के ट्रीज हैं ये सारे, पूरी ग्रीनरी दिख रही है। मतलब मैं लास्ट टाइम जब आई थी तो यहाँ पे पूरा वैसा था, बर्फ 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 एंड बर्फ, और पूरा ग्रीन है ये एरिया। आई लव दिस प्लेस। सो गाइस ये रहा डिनर आज का एंड आई जस्ट शेयर व्हाट इज इन द डिनर फॉर टुनाइट। ओह माय गॉड, क्या है ये? चावल हैं। चावल तो मैं और ये दोनों नहीं खाते। नो चावल ना। This is, I guess, दाल local वाली। This is रोटियाँ and I'll share this वाली सब्जी। This is आलू मटर। I love आलू मटर। It's gonna be amazing food for tonight। और मैं आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ फूड के साथ। Tomorrow I'm gonna share property के रेट and no, there is a lot to share about this place. Not दारू, no, but you know there is a lot to share. So tomorrow I'm gonna share about this place, this village और हर चीज़। See you tomorrow with the vlog. Khalsa. Good night.